वो लग रहा है ना वो नौटंकी कर रही है हमारे लिए। रिकॉर्ड तसल्ली आप रखना, ये तसल्ली अब आप करना। आ जाने रही है पुलिस। दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस आपको याद ही होगा, ऐसा ही कुछ मामला कानपुर से देखने को मिल रहा है, जहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की को टुकड़े टुकड़े कर जान से मारने की धमकी दी गई। बता दें कि कानपुर के नौबस्ता में रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग लड़की को फैज नाम के एक युवक ने शादी करने का दबाव बनाया, और दबाव इतना बनाया कि लड़की के परिजन भी परेशान हो गए। वहीं जब लड़की दबाव बनाने के बाद भी शादी करने को तैयार नहीं हुई तो आरोपी फैज ने उसे धमकियां देना शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर शादी नहीं की तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। धमकी मिलने के बाद लड़की के परिजनों के तो मानो होश ही उड़ गए हों, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने डर के मारे फौरन ही पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी के घर पर दबिश दी, जहां आरोपी के परिजन पुलिस वालों से ही भिड़ गए, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर आरोपी फैज को गिरफ्तार किया गया। थाना नौबस्ता में दिनांक 16 अक्टूबर को मोहम्मद फैज नामक एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया, जिसके संबंध में थाना नौबस्ता पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उक्त व्यक्ति की आम शोहरत अच्छी नहीं है और वह एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इस दौरान उसने उक्त पीड़िता पर पुनः दबाव बनाना शुरू किया और जान से मारने की धमकी भी दिया। इसके संबंध में कल उनके पिता द्वारा थाना नौबस्ता पर एक तहरीर दी गई, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया और कल ही मोहम्मद फैज की गिरफ्तारी थाना नौबस्ता द्वारा कर ली गई है और उनको उसमें रिमांड लेकर जेल भी भेज दिया गया है। पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और निष्पक्षतापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है।